हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लवलीन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं उत्पम, इंस्टेंट रवा उत्पम बना रहे हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आप देखिए पूरा वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लवलीन 123 और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं उत्पम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उत्पम बनाने के लिए एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही, दोनों को मिक्स करेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम पानी और इसे अच्छे से एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इस तरह से इसका बैटर बनाना है, जिससे कि इसका जो उत्पम है, जो चीला है, वो अच्छे से फैल जाए। ये है हमने नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग डालना है। उत्पम के लिए हमने प्याज, हरी मिर्च, गाजर, टमाटर और हरा धनिया काट करके रख लिया है। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। इन सभी वेजिटेबल्स जो हमने काट करके रखी है, उन सभी को हम इस मिश्रण में डाल देंगे। इन सभी वेजेस को डाल करके मिक्स कर लिया है हमने। हम इंस्टेंट रवा उत्पम बना रहे हैं। आप चाहे तो सारे जो वेजिटेबल्स है आप उसे ऊपर से भी डाल सकते हैं, पर हम इसमें मिक्स करके फिर रवा उत्पम बना रहे हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे। हमारे उत्पम का बैटर तैयार हो चुका है। इस तरह से इसे चमचे में भरना है, तवे पर हमें इस तरह से इसे फैलाना है। इसे थोड़ा मोटा ही फैलाना है, देखिए इसे इस तरह से मोटा फैलाना है और इसके चारों तरफ हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, जिससे कि आसानी से छूट जाएगा। और इसे थोड़ी देर के लिए हमें इस तरह से ढक देंगे और ढककर पकाएंगे। अब हम इसे खोलेंगे, देखिए ऊपर से इसे पक गया है। अब हम इसे निकालेंगे। इस तरह से आपको इसे पलटा मार देना है। फिर दोबारा से हम इसके चारों तरफ तेल डालेंगे। आप देख सकते हो हमारा उत्पम बनके रेडी हो चुका है। अब हम प्लेटिंग करेंगे। ठीक इसी तरह से आपको दूसरा भी बना लेना है और इसे सर सॉस के साथ सर्व करें। देखिए हमारा उत्पम बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।